जनरल फिटर, मैकेनिकल टेक्नीशियन, मैकेनिकल सुपरवाइजर आदि लोगों से इंटरव्यू में गैस्केट से रिलेटेड कम से कम एक क्वेश्चन तो अवश्य रहता ही है, क्योंकि मैकेनिकल मेंटेनेंस में किसी गैस्केट का बड़ा योगदान होता है। इन लिखित प्रश्नों को कवर करेंगे। व्हाट इज ए गैस्केट? गैस्केट क्या है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैस्केट? गैस्केट के कितने प्रकार हैं? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गैस्केट? गैस्केट के कार्य क्या है? हाउ मच गैप इज बिटवीन ए गैस्केट एंड ए फ्लैंज? एक गैस्केट और एक फ्लैंज के बीच कितना गैप होता है? व्हाट इज एएसएमई एएनएसआई कोड ऑफ गैस्केट? गैस्केट के एएसएमई एएनएसआई कोड क्या है? व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर गैस्केट सिलेक्शन? गैस्केट के सिलेक्शन करते समय किन किन तथ्यों को ध्यान में रखा जाता है? व्हिच गैस्केट आर यूज इन प्लांट? प्लांट में मुख्य रूप से कौन कौन गैस्केट प्रयोग किए जाते हैं? तो इन सारे प्रश्नों का जवाब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। नाउ वीडियो इज बीइंग स्टार्टेड। तो सबसे पहला सवाल लेते हैं, व्हाट इज ए गैस्केट? गैस्केट क्या है? तो इसका जवाब है मित्रों, ए गैस्केट इज ए मैकेनिकल सील विच फिल्स द स्पेस बिटवीन टू और मोर मैटिंग सरफेसेस जनरल टू प्रिवेंट लीकेज फ्रॉम और इनटू द ज्वाइंट ऑब्जेक्ट। अर्थात गैस्केट एक यांत्रिक अवरुद्ध है जो दो या दो से अधिक सतहों के बीच रिसाव लीकेज को बंद करता है। इस प्रकार इंटरव्यू में आप छोटा से छोटा जवाब देने का प्रयास करें। उदाहरण के तौर पर, जब किसी पाइपलाइन में दो फ्लैंजेड पाइप को जोड़ते हैं तो उनके बीच गैस्केट का प्रयोग करते हैं ताकि वहां से फ्लूड का रिसाव लीकेज ना हो। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हाउ मेनी टाइप्स आर गैस्केट्स? अर्थात गैस्केट कितने प्रकार का होता है? तो मित्रों, इसका जवाब है, देयर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ गैस्केट्स। मुख्य रूप से तीन प्रकार के गैस्केट होते हैं, मेटालिक गैस्केट, नॉन मेटालिक गैस्केट, सेमी मेटालिक गैस्केट या कंपोजिट गैस्केट के नाम से भी इसको जानते हैं, सेमी मेटालिक। तो आप इस प्रकार इंटरव्यू में गैस्केट के प्रकार बता सकते हैं। अब हम लोग इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं मेटालिक गैस्केट। मित्रों, ये शुद्ध मेटल या धातु के बने होते हैं, जैसे एल्युमिनियम, कॉपर, निकेल, स्टील, स्टेनलेस स्टील, ब्रास आदि। मेटालिक गैस्केट का उपयोग हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर वाले लाइन में किया जाता है। याद रखें मित्रों, मेटल गैस्केट को रिंग टाइप ज्वाइंट गैस्केटेड या आरटीजे भी कहा जाता है। आरटीजे गैस्केट भी मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं, आर टाइप आरटीजे, आरएक्स टाइप आरटीजे तथा बीएक्स टाइप आरटीजे। आरटीजे पर हम लोग एक अलग से वीडियो में चर्चा करेंगे। गैस्केट का दूसरा प्रकार है नॉन मेटालिक गैस्केट। नॉन मेटालिक शुद्ध नॉन मेटल का बना होता है। दीज आर फैब्रिकेटेड फ्रॉम मेटेरियल सच एज रबर, फाइबर, पॉलीटेट्रा फ्लोट इथिलीन यानी कि पीटीएफई और ग्रेफाइट। इनका उपयोग लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर में किया जाता है। इनको सॉफ्ट गैस्केट के नाम से भी जाना जाता है। ये भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे पीटीएफई, पॉलीटेट्रा फ्लोइथिलीन या जिसको टेफ्लान कहते हैं, सीएएफ यानी कि कंप्रेस्ड एस्बेस्टस फाइबर गैस्केट।
CNAF कंप्रेस्ड नॉन एस्बेस्टस फाइबर गैसकेट, थर्मिकुलाइट गैसकेट, ग्रेफाइट गैसकेट, रबर गैसकेट, प्लास्टिक गैसकेट, इंसुलेटिंग गैसकेट। गैसकेट का तीसरा प्रकार है सेमी मेटालिक या जिसको कंपोजिट गैसकेट कहते हैं। कंपोजिट गैसकेट इज मेड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। डिफरेंट नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कैन बी डन बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट टू प्रोड्यूस द कंपोजिट गैसकेट। यह गैसकेट मेटल और नॉन मेटल के दोनों को मिलाकर बनाया जाता है। गैसकेट के आवश्यकता के अनुसार अलग अलग अनुपात में इनको मिलाकर बनाया जाता है। ये गैसकेट हाई और लो प्रेशर और टेम्परेचर दोनों में प्रयोग किए जाते हैं। सेमी मेटालिक गैसकेट भी तीन प्रकार के हैं, जैसे स्पाइरल ऊन गैसकेट, कैम प्रोफाइल गैसकेट, मेटल जैकेटेड गैसकेट। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गैसकेट, यानी गैसकेट का कार्य क्या है। गैसकेट फिल द स्पेसेस वेयर कंपोनेंट्स ऑफ ए मशीन और फिक्सचर हैव गैप्स। दिस नॉट ओनली हेल्प टू प्रिवेंट लीकेज बट इट ऑल्सो रिड्यूस फ्रिक्शन, मेक्स द इक्विपमेंट सेफर टू यूज। गैसकेट किसी दो सतहों के बीच गैप को भरता है, साथ ही उनके बीच फ्रिक्शन घर्षण को भी कम करता है, इक्विपमेंट के प्रयोग में सुरक्षा प्रदान करता है। चौथा क्वेश्चन है मित्रों, हाउ मच गैप इज बिटवीन ए गैसकेट एंड फ्लेंज, यानी कि गैसकेट और फ्लेंज के बीच कितना गैप होना चाहिए। तो इसका आंसर हम लोग दे सकते हैं 0.8 mm से लेकर 1.5 mm के बीच गैप होना चाहिए। पांचवा क्वेश्चन, व्हाट इज ASME ANSI कोड ऑफ गैसकेट, अर्थात गैसकेट के ASME ANSI कोड क्या है। इसका कोड होता है मित्रों मेटालिक और सेमी मेटालिक के लिए B16.20 तथा नॉन मेटालिक के लिए B16.21 ASME ANSI कोड होता है। छठा क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर गैसकेट सिलेक्शन, अर्थात गैसकेट सिलेक्शन करते समय किन किन बातों का ख्याल रखा जाता है। गैसकेट आर सिलेक्टेड बेस्ड ऑन मल्टीपल प्रोसेस फैक्टर सच एज ऑपरेटिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर, टाइप ऑफ लिक्विड, फ्लेंज टाइप, साइज, प्रेशर रेटिंग, मटेरियल ग्रेड्स एंड स्पेसिफिकेशन। अर्थात गैसकेट का चुनाव करते समय निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए, पाइप लाइन में टेम्परेचर और प्रेशर क्या है, प्रवाह का टाइप क्या है, फ्लेंज का टाइप, साइज, प्रेशर रेटिंग और मटेरियल ग्रेड को भी ध्यान में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन लेते हैं, विच गैसकेट आर मेनली यूज इन प्लांट, अर्थात किसी प्लांट में मुख्य रूप से कौन कौन गैसकेट प्रयोग किए जाते हैं। तो अधिकतर प्रयोग किए जाने वाले गैसकेट है मित्रों स्पाइरल ऊन गैसकेट, ऑर्डिनरी गैसकेट, रबर गैसकेट, प्लास्टिक गैसकेट, इसका उपयोग केमिकल लाइन में होता है, टेफ्लॉन गैसकेट केमिकल लाइन में है, ग्रेफाइट गैसकेट फॉर स्टीम लाइन के लिए इसका उपयोग किया जाता है, वायर गैसकेट फॉर हाई टेम्परेचर के लिए ही होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।